नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। कांडी से हमारे संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकोनी पंचायत के सेमौरा गांव में अचानक आग लग जाने से राम केशवर साव, सत्येंद्र प्रसाद व मनोज कुमार गुप्ता की खेत में रखे गेहूं और अरहर के बोझा जलकर खाक हो गए। घटना मंगलवार मध्य रात्रि की बताई जा रही है। उक्त तीनों भुक्तभोगियों ने गुरुवार की अहले सुबह पंचायत के मुखिया मीना देवी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुआवजे की गुहार लगाई। उक्त गरीबों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मुखिया प्रतिनिधि अरुण सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात भी की। उन्होंने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच हेतु सीआई को घटना स्थल पर भेजेंगे, जांच कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। उक्त मुखिया को बताया कि लॉकडाउन होने के कारण खलिहान में रखे गेहूं की कटाई, अरहर की झड़ाई नहीं हो सकी थी। मेहनत कर खेत से उपजे खलिहान में रखे गए फसल पर ही परिवार पूर्ण रूप से अस्वस्थ था। इस अगलगी घटना को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी को भी भुक्तभोगियों द्वारा आवेदन लिखा गया है। गढ़वा रंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश के अनुसार जनता दल की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री जैसे चावल, दाल, सब्जी, साबुन का वितरण चीनिया प्रखंड में किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार झारखंड के नेता गरीबों का हमदर्द सुभाष यादव के घर कमलों द्वारा सुभाष यादव के कर कमलों द्वारा गोड़ा संजय यादव के निर्देश के अनुसार शमशाद सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष गढ़वा जिला चिनिया प्रखंड के एमडी फरीद खान, प्रखंड अध्यक्ष सागर यादव के द्वारा कोरोना को लेकर वितरण किया गया, जिसमें अन्य लोग भी शामिल थे, जैसे बंधुराम बिलाल अंसारी, दीपक राम कृपाल, गोविंद राकेश, राजेश सहित मीडिया के लोग भी वहां पे मौजूद थे। धन्यवाद।